जो भी परीक्षाओं से संबंधित परत सब चैप्टर्स है आपको कुछ ट्रिक बताए जाएंगे जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप लिखें ट्रिक नंबर वन, किसी संख्या के मान को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए एक प्रतिशत की कमी करने पर वाई प्रतिशत की वृद्धि हो इसके आप ट्रिक लिख लीजिए, अभीष्ट वृद्धि बराबर y प्लस एक्स बटा 100 माइनस वाई गुणे 100। अब इस ट्रिक पर आधारित प्रश्न लिखिए, किसी संख्या के मान को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि पांच प्रतिशत की कमी करने पर भी चार प्रतिशत की वृद्धि हो। अब इस प्रश्न को इस ट्रिक से आप हल करेंगे, अभीष्ट वृद्धि बराबर y प्लस एक्स बटा 100 माइनस वाई। अब ट्रिक पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि x के स्थान पर प्रश्न से हमको क्या रखना है और y के स्थान पर प्रश्न से हमको क्या रखना है। x के स्थान पर अर्थात यहाँ 1% की कमी और यहाँ दिया हुआ 5% की कमी, इसलिए x के स्थान पर हम 5 लिख देंगे। ट्रिक में है y प्रतिशत की वृद्धि
और सवाल में आपके प्रश्न में 4% की लिखी है, तो वाई के स्थान पर 4 रख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये घटा देंगे, आपका ये 100 लिख देंगे गुणे 9/96 गुणे 100। इसको अब आप कटा दीजिए, चार दुनी 8, 4 चौक को 16, 4 दुनी 8, 4 पचे 20, 3 तिली के 9, 3 8 24, ये आपका आ गया 25 और 3 का गुणा कर देंगे 75/8 बराबर 9 सही 3/8%। यहां प्रिक में अभीष्ट प्रतिशत वृद्धि लिख लीजिएगा, प्रतिशत वृद्धि। ट्रिक नंबर 2, यदि किसी राशि में पहले a प्रतिशत की कमी फिर 20% की वृद्धि की जाए तो दस दगर के आप लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि आवलिक कमी बराबर बड़े कोष्टक में ऋण ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। इस पर आप प्रश्न लिख रहे हैं, यदि पांच सौ में पहले 2% की कमी की जाए तो 100% वृद्धि या 100% वृद्धि आवलिक कमी बराबर ऋण ए धन बी
माइनस ए बी बटा 100%। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे ही नाम पर मेरे चैनल का नाम डॉक्टर मुद्रिका सिंह यादव है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट भी लिखें और आल वाली घंटी दबा दें ताकि जब भी हमारी वीडियो बने तुरंत आपके पास पहुंच सके। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत हमारे यहाँ एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स में भी टेट, सीटेट इत्यादि की भी तैयारियां कराई जाती हैं और साथ ही साथ नवोदय प्रवेश परीक्षा, सैनिक प्रवेश परीक्षा और सीएचएस प्रवेश परीक्षा की भी तैयारी कराई जाती है। यदि आपको इन परीक्षाओं के बारे में कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो तो मेरा मोबाइल नंबर है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अब आप ध्यान दें, एक स्थान पर आपका 2% है प्लस बी प्रतिशत के स्थान पर आपका 1% है, यहाँ बी के स्थान पर 1 लिखा जाएगा, माइनस 2 × 1/100। ये असमान चिन्ह घट जाएगा, ऋण वाला पद अधिक है तो ऋण 1 हो जाएगा ऋण, इसको हम कटा देंगे 1/50। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -1/50, ये आपका हो जाएगा ऋण 51/50 बराबर ऋण 1 सही 1/50 कमी। अब थोड़ा सा ध्यान दें, कैसे आप जानेंगे कि वृद्धि होगी या कमी होगी? इस सूत्र को लगाकर प्रश्न को हल करने के बाद यदि आपका उत्तर माइनस में आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में कमी होती है, यदि यह मान धनात्मक आएगा तो वृद्धि होगी, इसलिए यह मान आपका ऋणात्मक में आया हुआ है तो इसमें प्रतिशत कमी होगी। अब आपका उत्तर हो जाएगा 1 सही 1/50% कमी। थैंक यू।